आज भी बात यही हो रही थी जब हमने शुरू की, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जब भी आज शुरू हुई, बात यही हुई कि हर टबैको साशे पे, पाउच पे, सिगरेट पे लिखा हुआ है, बट फिर भी क्यों? व्हाई इज इट दैट पीपल फील दे कैन नॉट लीव इट, और दे डू नॉट वांट टू लीव इट, और दे आर स्टिल यूजिंग इट? ये हमें बिल्कुल बाफल करके रखता है, हमें सरप्राइज और शॉक, और ये हमें समझ में नहीं आती अक्सर कि व्हाट इज द रीजन। इफ समबडी कैन रीड सी पिक्चर देखकर भी आदमी को तो पता होना चाहिए कितना घातक चीज है, एंड व्हाई आर वी स्टिल टेकिंग इट। तो इसको समझने के लिए हमें इनकी पूरी साइकोलॉजी में घुसना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी में घुसने के लिए जानना पड़ेगा ये शुरू कैसे हुआ। तो ये स्लाइड दिखाने से पहले मैं इनफैक्ट आप लोग से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर एक छोटा बच्चा हो जिसने स्कूल में, जिसने मान लो 12-13 साल की, 8-9 साल, 10 साल के बच्चे बच्चियां क्यों शुरू करते, कैसे शुरू करते, नंबर 1। नंबर 2, जो यंग गर्ल्स होते, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते, यंग चिल्ड्रन होते, वो क्यों शुरू करते, और अडल्ट जो होते वो क्यों शुरू करते? आपके थॉट्स बताइए जरा, हम अगर सोचें कि क्यों शुरू करते हैं ये। साथ जो मिल जाता है इस तरह के लोगों के साथ, जो इस तरह की चीजें लेते आपके पास भी उसको होंगे ना बहुत सारे लोग ऐसे जो लेते होंगे, तो जस्ट फॉर, आपने क्या? हाँ, जस्ट ऐसे स्वैग लेते हैं एडल्ट्स, जैसे जो टीनेजर्स जो होते हैं अपना स्वैग शो करने के लिए, दिखाने के लिए। मनीला जी एक सेकेंड, कुमकुम जी की बात एक बार पूरी कर ले। तो उन्होंने कहा कि अगल बगल बहुत होते, तो अगल बगल मेरे भी, आपके पास भी, सोनल जी के पास भी, उषा जी के अगल बगल भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्यों नहीं लेते हैं फिर? एक तो अपने अपने पे भी डिपेंड करता है मैम, कि हम में फोर्स बहुत से लोग करते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं लेते। थोड़ा सा अपने घर का एटमॉस्फेयर भी होता है मेन पर्पस। घर का एटमोस्फियर नंबर 1 पार्ट, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। नंबर 2, उसके बाद बाकी क्यों नहीं है? घर के एटमोस्फियर अच्छा है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैं टेबल के नीचे जाके दो दो ये ले लेता हूँ, कष्ट ले लेता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ टेबल के नीचे। तो आप बताइए क्यों हो सकता है, क्यों नहीं करते हम? मन की कमजोरी, कमजोरी, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, ओके। सो टू थिंग्स, वन इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ऑफ द हाउस विच इज वेरी रेलिवेंट फॉर अ चाइल्ड, जो बच्चों के लिए बहुत रेलेवेंट होता है कि हम किस तरीके से बच्चों को यहाँ पढ़े किए हैं, क्या संस्कार उनको उनमें डालने चाहिए बचपन से, उन्हें समझाना चाहिए वैल्यूज, बहुत अच्छी बात है, सब वैल्यूज। वैल्यूज बहुत अच्छी बात है, संस्कार, वैल्यूज, वेल, वंडरफुल, वंडरफुल। सो फॉर व्हाट, हाउ डू वी प्रिवेंट एंड व्हाट इज द रीजन? सो रीजन इज क्योंकि उस फैमिली में टबैको हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म, यस। क्योंकि कल कल को हमने दिखाया था आपको स्लाइड्स की टबैको कहाँ से आ रही है, शायद इनके दादाजी गुड़गुड़ा पीते होंगे, शायद उनके उनके दादाजी सिर में लगाते होंगे या दांतों में लगाते होंगे, थिंकिंग इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल मेडिसिन। तो इस कारण से ये बात चलती आई है फैमिली में दैट इट इज क्वाइट नॉर्मल। तो जब क्वाइट नॉर्मल है तो बच्चा भी क्वाइट नॉर्मल सोच के लेता है। सो वन इज वैल्यूज, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी हैव सर्टन वैल्यूज एंड नॉर्म्स एंड वी आर एबल टू क्रिएट अ गुड एटमोस्फियर। सेकेंड, जो मनाला जी ने बोला कि स्ट्रेस, तो अब एबिलिटी टू कोप विथ स्ट्रेस, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं बच्चों का एग्जाम्स हुआ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के, या कोई ऑफिस गोअर को, वो जो आजकल कॉर्पोरेट वर्कर्स को इतना डेडलाइन, इतना मैच योर आउटकम, ये वो पता नहीं क्या डेडलाइंस है, इतना कुछ मैच करना पड़ता है आज के जमाने में, एंड प्लस दे आर वेरी स्ट्रेस्ड। तो क्या हम, हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए किसी और तरीके से विदाउट resorting to taking alcohol or sniffing what is that whitener or smoking cigarettes or chewing tobacco? हमने इतना शक्ति है या नहीं, या हमने इतना दिमाग में सोच है या नहीं, या सेल्फ कंट्रोल है, या एबिलिटी टू थिंक है? तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर कि क्यों। दूसरा क्या होता है, एक और बताइए क्यों होता है? ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें तो बोर्ड्स जो रास्ते में दिखते हैं, शाहरुख खान, मैं तो एक नाम ही ले रही हूँ। शबी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाथ ऊपर हुआ है, शबी प्लीज टेल। यस मैम, मैम आई एम नॉट श्योर कि पहले डिस्कस हुई नहीं, पर मेरे हिसाब से अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। अ वेरी, आई एम अ डॉक्टर, सो मैं जो मैं अपनी तरफ से बता सकती हूँ कि मेडिकल कॉलेज में ये चीजें काफी कॉमन होती है, जैसा आपने बताया स्ट्रेस,
फैक्टर की वजह से, बट आई एंटर्ड मेडिकल प्रोफेशन इन 2005 एंड करंटली 2022 चल रहा है. और मैंने अपने सामने सामने सोसाइटी का वो डिफरेंस देखा है दैट इन द स्टार्टिंग व्हेन वी वेंट देयर इट वाज कंसीडर्ड टू बी सम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन वाज कंसीडर्ड बैड, चाहे लोग छुप कर करें चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ करें, बट ओवरऑल परसेप्शन वाज दैट इट इज बैड, इट इज रॉन्ग. बट नाउ इट्स लाइक कि अगर घर पे भी हाउस पार्टी हो रही है तो मेडिकल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन्हें कहते हैं ठीक है इट्स फाइन, इट्स कल्चर, इट्स ओके. सो हम लोग कूल बनने के लिए फ्रॉम अ पेरेंट्स परस्पेक्टिव आई एम सेइंग, नॉट ओनली चिल्ड्रन, हमारी पूरी जनरेशन कूल बनने के लिए, आई एम अ टी टॉटलर एंड आई हैव बीन जज्ड बाय माय ओन फ्रेंड्स, माय सीनियर्स, माय जूनियर्स दैट अरे इतना गांधी जी बन के कहां जाओगी. ये पहले नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स ने वो चीज फेस नहीं करी है, हमारे दादा दादी ने वो चीज फेस नहीं करी है. एंड मैं सुभारती यूनिवर्सिटी के वेलनेस सेंटर के प्रोग्राम में हूँ और मैंने ये देखा है दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु डू इट आउट ऑफ पीयर प्रेशर. उन्हें पता है गलत है पर वो पार्टीज में ही इन्वाइट नहीं होंगे अगर वो ये नहीं करेंगे तो. इम्पोर्टेंट मैम एक चीज और है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में माई ब्रदर इज एन IIT एंड उसके बैच में एक लड़की सेलेक्ट हुई बहुत बड़े पैकेज पे और उसे उस पैकेज के फर्स्ट पार्टी से निकाल दिया गया बिकॉज शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग. सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना ही सिर्फ स्ट्रेस है, इस चीज को प्रोपोगेट किया जाता है क्योंकि मैक्सिमम डिसीजन स्मोकिंग रूम में हो जाते हैं और अगर आप नहीं हो उस भीड़ का पार्ट तो आप उस डिसीजन का पार्ट ही नहीं हो पाओगे, आप टीम में आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट. So one thing, Shavi, thank you so much for putting thank it you, so ma'am. Nicely. So nicely you brought it out. So one thing is peer pressure. So peer pressure, or peer pressure mein kaun phas jata hai? Shavi ne nahi phasa. Kaun phasta hai? Jiski apni identity mein chhodi si kami reh gayi ho. Wo lagta hai ki main tabhi bada ho sakta hu aur famous ho sakta hu agar main us group mein hu. So the people who have not been brought up with that self-confidence, ki, you know, they need to be in a group to feel comfortable or to feel important or to feel proper. Ki wo tabhi main sahi hoon jab main us group ke andar hoon. Aur us group mein ghusne ke liye main kuch bhi kar lo. Cigarette ho ya phir kuch bhi ho. To main kar lo us group ke andar. To be cool, to be the dudes, jo aajkal ye bachche kehte hain, dude, cool. Ye sab hone ke liye, so it is about a lot of peer pressure jo hai. Shavi, you are so right about the peer pressure, and the pressure starts at different levels. It starts all the way from school. Yes. Thank you so much, Shavi. It all starts from school, goes all the way up to medical college, and goes all the way up to your job. Just now, Shavi told us an incident about somebody who got a very good package, but she couldn't get the job because, I mean, whatever happened, because first party mein hi usne daru ki glass nahi uthai. Yahi story, hamare apne tobacco marshal. Our own tobacco marshal, one of our faculty, uske wife ke saath hua. She went for a thing interview and she was asked, do you smoke? And she said, no. My husband is a tobacco cessation specialist. He said, then you will not last here. It is better you don't apply. So that is the kind of pressure which is there on, which has been put by society. And also the thing about, it is considered to be, as you said, you know, a very cool thing and it is accepted and this is, society takes it. So, yes. Iske liye aap sochi hame kitne, 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 kitne tobacco marshals chahiye, at what levels that we require these people. Aapke tarah kitne tobacco marshals har kone mein, har factory mein, har club mein, har corporate mein, har jagah chahiye. So that they are able to be heard. Every medical school, every dental school, every pharmacy school, every engineering college, every class, every school requires it. Because they need to be told how dangerous it is and what they are getting into. Tomorrow they will never be able to get out of because they will not understand how to get out of it. It attacks and takes over the whole body. So, Hanji Kumkum ji, aap kuch bolna cha rahe the. नहीं ओके मैम, बस वही प्रेशर ही की बात है ये, मतलब फैशन बात है, ऐसा फैशन ही हो रहा है आजकल ये. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे छवि जी ने बताया ना बहुत अच्छा से, डॉक्टर छवि ने बताया हमें तो ये होता है, ये देखिए फर्स्ट स्टेज होता है जब बच्चा जिसमें यू नो वो देखता है किसी को करते हुए और छुप छुप के देखता है किसी को. एक बहुत अच्छा वीडियो है, शायद मैं प्ले कर दूं उसको आज. सो वो देख रहा हो किसी को छुप छुप के और उसको लगता है ये कितने कूल है, यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ जा रहे, तो वो अपने आप शुरू होता है एज एक्सपेरिमेंट. या फिर मना किया गया हो, कल किसी ने बात छेड़ी थी अबाउट
कैसे बोले कि हम कैसे मना कर सकते हैं। तो हमने किसी को वो आज हम उस क्लास में लेंगे, आज इस क्लास में, कि हम बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, हाउ डू वी कन्वर्स विद चिल्ड्रन, बिकॉज इफ वी डोंट मेक देम अंडरस्टैंड, इफ वी जस्ट से नो, दे विल वांट टू एक्सपेरिमेंट मोर। सो हाउ डू वी स्टॉप दैट एक्सपेरिमेंटेशन अर्ज इन अ चाइल्ड फॉर द नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेशन करना ही चाहेंगे। तो ये है सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज है जब वो बाय द टाइम बच्चा ऐसे हो जाता है कि वो आराम से चोरी छुपे पैसे निकालना रखता है मम्मी के पॉकेट से, यहाँ से वहां से, एंड उसके सामान आ रहा है और वो चालू है उसमें, तब वो झूठ बोलने लगता है, उसका दरवाजा बंद होने लगते, वो प्रोमिसेस नहीं रखता है, टाइम से नहीं आएगा, कोई भी फैमिली फंक्शन में नहीं जाएगा, या फिर बैठेगा थोड़ी देर बाद बाहर चला जाएगा, फिर यही करता रहेगा। सो दिस इज अ स्टेज व्हेन इट इज सेटिंग इन। ज्यादातर लोग जो हमें मिलेंगे वो है एडिक्शन वाले, क्योंकि वो हमें दिखते हैं जो ऑलरेडी एडिक्टेड है। लेकिन हमारा काम क्या है, कल मैंने आपको दिखाया था वो प्री कॉन्टेम्पलेशन से कॉन्टेम्पलेशन वाले लोगों को। तो ये जो एडिक्शन वाले स्टेज में है जो लोग, उनको हमने लाना है इनटू कॉन्टेम्पलेशन, मतलब हमने इनको ये अभी समझाना है, आपके बातों से आपने समझाना है कि भैया ये चीज बहुत बुरा है, अभी हैबिट हमें इसका, ये डिजीज है, ये कोई आदत नहीं है जो आप छोड़ सकते एक दो दिन में खुद अपने आप, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, दिस आर द हार्म्स, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फिर आप उनसे पूछेंगे आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, ये है रोड ब्लॉक्स। तो आज की क्लास जो है उसी पे है कि रोड ब्लॉक्स, क्योंकि हम अगर जो टबैको यूजर है उसकी इतनी डीप इंसाइट को अगर हम समझ लें, तो पहली चीज हम ये पूछेंगे कब शुरू किया आपने, कैसे शुरू किया, फिर पता चलेगा स्कूल से या प्रेशर से, या फिर जब भी उसको टेंशन होता है वो इसीलिए लेता है, किस कारण से शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्यों चालू रख रहा है, और अगर छोड़ नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। रोड ब्लॉक्स ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज का क्लास हमारा रोड ब्लॉक्स पे है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारे काम ये है कि हम प्री कॉन्टेम्पलेशन से कॉन्टेम्पलेशन ले आए। दैट मीन्स जब तक वो एडिक्शन में है और मैं नहीं बोलूं कि हाँ मुझमें कुछ गड़बड़ है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सो दैट इज द स्टेज टू अंडरस्टैंड दैट, हमें ये सारी चीजें उनसे बातें करना है और रोड ब्लॉक समझना है कि डॉक्टर रीना अगर छोड़ नहीं पा रही है सिगरेट, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बारी बारी छोड़ रही है और बारी बारी वापस जा रही है लेने के लिए, क्या प्रॉब्लम है, रोड ब्लॉक क्या है।